ऐसा लग रहा है वो कोरोना डाल रहे हैं। Welcome back to the channel, guys. I hope you're doing absolutely fine. And it is pitch dark right now, but it is 5:15 a.m. in the morning. And actually, there is some good news. So we all are set to go to Himachal Pradesh. That is Manali. And this is the most awaited trip. कब से plan कर रहे थे भाई लोग? जन्मों से. दो महीने हो गए. तो दो मंथ से हम प्लान कर रहे थे हिमाचल जाने के लिए. पहले जब गए थे तो ई पास के रिस्ट्रिक्शंस थी, कोविड की भी थी. बट बहुत लोग आप सोच रहे होगे कि हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, क्रिटिसाइज करोगे, तो उससे पहले एक ये वीडियो क्लिप देख लो. मी प्रभाकर एंड रोहित भाई, वी हैव अराइव्ड एट द एग्जाम सेंटर. तुम अपना एग्जाम देने जा रहे हैं अंदर कोविड का, एंड होपफुली हमारा नेगेटिव आए. तो मैंने, प्रभाकर भाई ने, हमने कल अपना रैपिड टेस्ट करा लिया था जिसमें हमें नेगेटिव आया. होपफुली हम चाह रहे हैं कि RT-PCR में भी नेगेटिव ही आए, क्योंकि हमें मनाली जाना है तो उसके लिए मैंडेटरी है. उस मैंने आपको बता ही दिया था वीडियो में, और ये पहली बार करवा रहा था. उसको नाक में उंगली, गले में उंगली, सब कुछ होगा अभी. यार वो बाद में बहुत खांसी आती है, लिटरली बहुत खराब लगता है जब वो टेस्ट करते हैं. पता चल जाएगा, ऐसा लग रहा है वो कोरोना डाल रहे हैं. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. कल वाला तो ये कल दोनों ने नहीं नहीं लिटरली ना RT-PCR टेस्ट के बाद ना आँख में आंसू आ गए थे. रीज़न बीइंग ये जो लास्ट में नाक में उंगली करी ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से करी थी. बदला दिया फिर दूसरी में बदला दिया. तो हम तीनों के रैपिड टेस्ट तो नेगेटिव आ गए. तो रैपिड टेस्ट इज फॉलोड बाई RT-PCR. एंड मैनी 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 थैंक्स टू अनिकेत, जिसने हमारी पूरी हेल्प करी. ये प्रोसेस इतनी जल्दी हो गया, हमें पता भी नहीं चला था. वरना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसे टेस्ट कराने का बहुत टाइम लगता है. OPD कार्ड बनाना होता है, रैपिड टेस्ट, उसके बाद RT-PCR, बहुत जल्दी. थैंक यू सो मच अनिकेत भाई, थैंक यू सो मच. सो वी ऑल हैव टेस्टेड नेगेटिव. सो बेसिकली लेट मी इंट्रोड्यूस टू द पीपल हू आर गोइंग विद मी. सो दिस इज दिव्यांशु एंड दिस इज विकास. सो दे बोथ आर गोइंग बाय कार एंड दे हैव हायर्ड ओला या ऊबर ऊबर आउट स्टेशन. एंड अरुण जी हमें सी ऑफ करने आए, और हमारे साथ शायद मे बी मूर्थल या करनाल तक चलेंगे. प्रभाकर भाई ही विल बी मोस्टली कमिंग बैक आफ्टर इन अ वीक. और बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस. एग्जैक्टली. तो एक लड़का और रह गया, रोहित, आलसी आदमी, और पता नहीं कब तक आएगा. सो बेसिकली आई एम गोइंग ऑन माई स्पीड ट्रिपल, प्रभाकर भाई ऑन हिज KTM एडवेंचर एंड रोहित ऑन हिज Z900 2020 मॉडल. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारी राइड इससे अच्छे से अच्छे जाए. पाव फुल कर दो भैया. बस भैया बस सो भूखी बाइक्स को पेट्रोल पिला दिया था एंड अपनी किलोमीटर की रीडिंग सेट कर दी है. सो वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट ब्रेक एट 70 माइलस्टोन पानीपत. डोंट बी मिस्टेकन माय फ्रेंड, दिस इज नॉट फॉग, दिस इज स्मॉग. सो बेसिकली यहाँ पे परली जलानी शुरू कर देती है, कर देते हैं यहाँ पे लोग हरियाणा पंजाब वाले एरिया में. एंड उसके बाद पता है हमें जो दिल्ली की वाट लगने वाली है ना कुछ दिनों में, 10-15 दिन में दिल्ली की ऐसी तैसी लगने होने वाली है. तो गवर्नमेंट उसके लिए ग्रुप में ना एक आधा टैलेंट होता है जिसमें ना जो स्ट्रेट हाईवेज पे गांव में निकल जाते हैं. जरा रोहित बताइए तो गांव में निकला कैसे? ऑफ रोडिंग करके बढ़िया एकदम मिट्टियों में चला के, कोई नहीं था, सिर्फ लगते थे तेरा राइडिंग अभी कर रहे थे लग रहा है यार. एक बार वो अपना ओला ऊबर आउट स्टेशन के बारे में बताओ कि कैसे क्या लिया, क्या प्राइस पड़ा उसका. भाई मैंने कैब बाजार से बुक करी थी एक्चुअली, तो 6100 के अराउंड में, पर वन साइड वन वे का. और भैया का चार्ज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा. तो वो फिर वापस कैसे हो गए ऐसी? मोस्ट प्रोबेबली इसे
तो अभी तो एक दो महीने का प्लान है, मे भी एक्सटेंड भी हो सकता है, अभी ऐसा फिक्स नहीं है। वही है जो जो अपने घर से दूर रहते हैं ना, उनको कुछ भी परवाह नहीं रहती, एक दो महीने तीन महीने चाहे वहाँ पे ले ले सब कुछ। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका भी? अभी तक तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया रहा, कैसा रहा प्रभाकर भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठंड ठंडा मजा आ रहा है अभी तो? ठंड में अनएक्सपेक्टेड है, कल जब राइड करी तो बिल्कुल ठंड नहीं थी, बहुत गर्मी थी, एकदम अनएक्सपेक्टेड ठंड है। तो हिमाचल प्रदेश ने तो अपना पूरा स्वाद चखा दी मिट्टी का स्टार्टिंग से ही, ये इसकी पहचान है एक्चुअली में। नेवर्थलेस बहुत लोग एडवेंचरस मानते हैं इसको और मानना भी चाहिए। कैसी रही है राइड? देखो मैं प्रभाकर भाई तो बहुत बार आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश, तो भाई का पहला एक्सपीरियंस है, इसकी जानना जरूरी है, कैसा रहा भाई? लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी लाइक राइडिंग and then getting tips from these two guys and also Arun bhai. Arun ji, yeah. Yeah, so nice experience, like I'm loving it and very excited to reach Manali. Oh my god, jaise exam ke wo IAS ke paper mein interview dete waise de raha tha, to aadat pad gayi hai interview dene ki na. मैं अपने सुंदरनगर के भाइयों से नहीं मिला तो क्या ही होगा यार, मेरा हिमाचल का ट्रिप तो सक्सेसफुल ही नहीं होता। हेलो, सो वेलकम बैक नवीन भाई, वेलकम बैक भाई, वेलकम बैक। तो अखिल, तो बहुत मतलब लिटरली बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। जब भी मैं हिमाचल आता हूँ कोशिश करता हूँ इन भाइयों से ज़रूर मिलूँ, और वही है कोरोना ने यार सीन अलग कर दिए थे, पर फिर भी देखो कितना फॉर्चुनेट हूँ कि बैंगलोर से आया दिल्ली, दिल्ली से सीधा हिमाचल, हिमाचल से सुंदरनगर, और सुंदर भाइयों के साथ सुंदर बातें करेंगे कुछ थोड़ी देर में। तो भाई ने बोला कि बंटा पीने चलते हैं, यहाँ का स्पेशल है, तो तुरंत वहीं से चलते हैं और एक बार दिखाते हैं कि क्या स्पेशलिटी, भाई से पूछेंगे कि ये बंटा क्यों स्पेशल है ना भैया। बंटा इसलिए स्पेशल है, वो एक्चुअली गर्मियों के टाइम पे जैसे वो अपना नींबू पानी डाल के जो कोरोना कोरोना करके डस्ट बनता है, वो उससे कोरोना कोरोना सब दूर हो जाता है। तो लो, तो हम जो अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है वो पीना वही है। चलो फिर, चलो चलो भाई, चलो 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 बाय 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 बाय, ओके। सो थैंक यू नवीन, थैंक यू वेरी मच भाई बंटा पिलाने के लिए, चार्ज्ड अप हो गया पूरा, लिटरली बहुत अच्छा बंटा था, मज़ा आ गया। तो दिस इज़ दी लोकल बाज़ार मंडी का, आई थिंक ये मंडी का लोकल बाज़ार है। तो हमें पराशर लेक वाले रूट से जा रहे हैं, जनरली हम मनाली का दूसरा रूट लेते थे यूजुअली जब आते थे, एंड आप बता रहे कि रूट थोड़ा रास्ता ख़राब है, टूटा फूटा हुआ है, तो सब ने यही सजेस्ट करा, नवीन ने भी यही सजेस्ट करा कि पराशर जाओ, इवन GPS भी यही बोल रहा है। सो IIT मंडी के लिए राइड लेना है यहाँ से, तो पराशर का यही वाला रूट है। So let's go guys, let's go. Roads are squeaky clean man. Wow man, I'm really really loving it. हमारे अनजान फ्रेंड्स और उनके बीच में हम राइड करते हुए, इतने सारे हैं यहाँ पे, इतने सारे हैं, इतने सारे हैं। We made a record. लोग फास्टेस्ट मनाली आने का रिकॉर्ड बनाते हैं, हमने हाईएस्ट टाइम टू रीच मनाली, सुबह 4:30 बजे चले थे, 11:30 बजे पहुंचे हैं भाई, रात के 6 बजे चले थे एक्चुअली, स्पीड 6:30, 5:30 स्पीड ब्रेकर्स बहुत सारे थे आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम्स and due to the
misbehavior of the Google Maps, we finally reached Mid Orchid Cottage, which is there, which is located in Nagar. That is before Manali, and it's 18 kilometers before Manali. तो अभी अच्छा खासा ठंडा वेदर हो रखा है इस टाइम पे. 550 किलोमीटर की राइड हुई है हम सबकी. ठीक है, इनके ड्राइवर ने भी पहुंचा दिया. इन लोगों के ड्राइवर ने भी, हम लोगों ने खुद को पहुंचा दिया यहाँ पे. जैसे जैसे करके तो सबसे बड़ी अचीवमेंट पता किसकी है? ये स्पीड ब्रेकर की. नीचे थोड़ा जगह दो इसे. स्पीड ब्रेकर की. तो ये इसकी फर्स्ट राइड थी. फर्स्ट राइड ऑन हिज ओन स्पोर्ट्स बाइक. इसने पहली बार स्पोर्ट्स बाइक ली, पहली बार राइड की, वो भी हिमाचल प्रदेश. हमें लग रहा था खुद को सजा दे दी इसने, बट एक्चुअली में बहुत अच्छा हुआ. बट फाइनली फ्रेश फील कर रही. तो सजा सबको दी. खुद तो डूबे से ना, सबको लेके डूबे. तो हिमाचल में ना ई पास, कोविड टेस्ट रिपोर्ट, ये सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सब कुछ वेव ऑफ कर दिया था. बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम सब ने अपने अपने कोविड टेस्ट करवाए. सब नेगेटिव आए, सब कुछ आया. ठीक है, बिंदास आए यहाँ पे. ठीक है, और जिन जिनको खांसी हो रही है वो कोविड नेगेटिव है. टेंशन लेने की बात नहीं है. सो बेसिकली कल का शायद हम प्राशर लेके जाएंगे. होपफुली, होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि हमें पता नहीं सुबह कितने कितने लोग उठने वाले हैं. So if you really really like the episode, today's episode, then make sure you hit the like button. And if you're new to the channel, do not forget to subscribe. Till then, keep loving guys, each other. Okay. Bye bye.